स्कॉर्पियन इसका काम कंप्लीट नहीं हुआ है अभी, कहते हैं ना 75% जंग हो चुकी है। अब जैसे आप देख रहे हो वॉशिंग में सबसे इंपॉर्टेंट है जो भी नेकेड आई विजिबल डस्ट है उसको क्लीन एंड क्लियर करना। एंड कहते हैं ना चेरी रेड बोलो, अंगारा रेड बोलो, जो भी बोलो, मतलब कंप्लीटली रेड। क्या है PPF इज जस्ट द लास्ट थिंग दैट यू डू। लास्ट वीडियो जो मैंने पब्लिश किया था कुछ दिन पहले हाईएस्ट व्यूड वीडियोस में गया, बट एट द सेम टाइम द मोस्ट एगनाइजिंग थिंग इज दैट कि उस वीडियो में मोर देन 90% लोग जिन्होंने सब्सक्राइब हमारे चैनल को नहीं किया उनके पास ये वीडियो व्यूज गए। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है उन 90% जनता से, हमारा परिवार ऑलरेडी 15,000 करीब हो चुका है, आपका तो कुछ नहीं जाता, हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है आपके एक क्लिक और आपके एक सब्सक्रिप्शन से, एक नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक से हमारा परिवार और आगे बढ़ेगा, उससे हमारी और मदद होगी। तो आप सभी से वापस गुजारिश करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन आइकन को क्लिक करें। जैसे आप देख रहे हो वॉशिंग में सबसे इंपॉर्टेंट है जो भी नेकेड आई विजिबल डस्ट है उसको क्लीन एंड क्लियर करना। तो वो पानी से क्लीन हो जाती है, मतलब उसके लिए कोई रॉकेट साइंस या रॉकेटरी मेथड नहीं लगाना पड़ता है। अब हम कर रहे हैं आयरन एक्स हमारे एक केमिकल का नाम है जिसको आयरन डिकन्टेमिनेशन के लिए यूज़ किया जाता है। कोई भी कार हो, चाहे आपकी ब्रांड न्यू कार हो या 6 महीने पुरानी कार हो या साल भर पुरानी हो, विच एवर बी द एज, आयरन के डस्ट पार्टिकल्स आपके पूरे थ्रू आउट द बॉडी ऑफ द कार में लगे रहते हैं। तो जैसे आप ये देख रहे हो वो बंदा आयरन एक्स केमिकल यूज़ कर रहा था कि आयरन के डस्ट पार्टिकल्स जो है सारे हट जाएं, ताकि आपके PPF जिस सरफेस पे पेस्ट हो वो एकदम स्मूथ, सिल्की स्मूथ और प्लेन सरफेस रहे। कि थोड़ा सा भी एक कण अगर रह जाता है तो कहीं ना कहीं अनइवन हम्प रहेगा, आज नहीं तो कल उसमें हल्की सी भी क्रैक आएगी तो वहाँ से PPF खराब होना शुरू हो सकता है। एट द सेम टाइम ऑक्सीडेशन, जिसे हम कहते हैं जंग लगना, भाई बेशक उसमें जंग लगे ही लगेगा और फिर वो नीचे अंदर ही अंदर ना उसको ऑफसेट करेगा। अब बारी है क्लेइंग की, क्लेइंग क्यों करते हैं? वंस द एंटायर दिस आयरन एक्स वाला जो सिस्टम है ख़त्म हो जाता है, उसके क्लेइंग से थोड़े बहुत भी अगर डस्ट पार्टिकल्स रह जाते हैं तो वो भी इसमें क्लेइंग के थ्रू आ जाते हैं। एट द सेम टाइम कोई भी रोड टारमैक वगैरह, कोई भी डामर वामर अगर आपकी गाड़ी में लगा हुआ है तो ये उसको टेक केयर करता है, पूरी कार से रिमूव कर देता है, अगेन गिविंग ए स्मूथ सर्फेस। लास्टली अब फाइनल कहते ना डीप वॉश नहीं बोलूँगा, इंटेंस क्लीनिंग, प्रॉपर शैम्पू करके कार को एकदम अच्छे से क्लीन किया जाता है एंड देन द कार कम्स बैक टू आवर शोरूम। बगल में खड़ी है स्कॉर्पियन, इसका काम कंप्लीट नहीं हुआ है अभी, कहते हैं ना 75% जंग हो चुकी है। अब 75% जंग में सबसे ये जंग क्यों कहते हैं? क्योंकि पेंट को रिस्टोर करना, स्टार्टिंग में जैसे आपने देखा कि कार के बॉडी के ऊपर ना पूरा स्वर्ल्स एंड हेज था, शाइन शीन ग्लॉस सब कुछ कहते हैं ना, कुछ भी नहीं था गाड़ी में, वो अपीलिंगनेस जो कहते हैं ना कि कार देखे कोई सुंदर लगे, वो ऑलरेडी जा चुकी थी बिकॉज ऑफ नेचुरल एलिमेंट जो होना ही होना है। अब 2-4 महीने हो चुके हैं इस गाड़ी के लिए आइडियली व्हाट आई थिंक सो, क्योंकि मैंने एग्जैक्टली तो नहीं पता कब इन्होंने गाड़ी ली थी, बट एनीवे आप ऑलरेडी देख चुके हो उसको। नाउ पेंट रिस्टोरेशन जॉब हैज बीन डन, छोटा सा मिनी वॉक अराउंड आपको करके दिखाऊंगा, आपको नजर आएगा ये कार बहुत ग्लॉस कर रही, शाइन कर रही है। अब PPF क्या है? PPF इसी को प्रोटेक्ट करके रखेगा, तो अगर आपका पेंट रिस्टोरेशन अच्छे से नहीं हुआ तो
तो आप चाहे पीपीएफ लगाओ या कुछ भी लगाओ, एंड ऑफ द डे प्रोडक्ट किसको करेगा, जो अंदर में है उसी को तो प्रोडक्ट करेगा। तो गलत पेंट रिस्टोरेशन मतलब अच्छे से नहीं किया गया तो आपको स्वर्ल्स एनहेंस नजर आएंगे, अच्छे से किया गया तो स्वर्ल्स एनहेंस कभी नहीं आने वाले आपकी गाड़ी में टिल द टाइम आपका वारंटी है। सेम टाइम कैमरा वाले बाबू जरा आओ इधर दिखाओ, अब ये ऑलरेडी सारे हैंडल्स खुले हुए हैं, ये हैंडल्स खुले हुए हैं, आप पीछे आओगे आपको नज़र आएगा इसके वाइपर्स वगैरह सब खुल चुके हैं। रीज़न बीइंग व्हाट, अगर परफेक्ट जॉइंट फ्री पीपीएफ देना है तो दीज आर नेसेसरी थिंग्स दैट वी हैव टू रिमूव फ्रॉम द कार। अब आगे देखते हैं एप्लीकेशन कैसा होता है, एंड आई एम प्रीटी श्योर जब लास्ट फाइनल वॉक अराउंड होगा ना, वाव निकलना ही निकलना है कस्टमर के मुंह से भी, और अगर आप लास्ट तक वीडियो देखते हैं तो आपके मुंह से भी। आपको पीछे मतलब आने वाले जो वीडियोस दो चार वीडियोस नजर आ रहे हैं टिल एटलीस्ट इफ आई टॉक अबाउट 10th of नवंबर इज धनतेरस, धनतेरस के पहले या उसके बाद में दो चार पांच दिन तक जो भी वीडियोस आने वाले हैं दीज ऑल आर प्री पोस्ट नवरात्रि और प्री नवरात्रि कार्स दैट हैव बीन बॉट। अभी पोस्ट धनतेरस पोस्ट दिवाली और परचेजेस हाई होंगी। अगेन अगर आपको अपनी कार में पीपीएफ कराना है और टाइमली डिलीवरी चाहिए तो देखिए स्क्रीन पर लिखे हुए नंबर पर कॉल करिए और अपना स्लॉट बुक कराइए, क्योंकि टाइमली आप अगर स्लॉट बुक कराएंगे, स्लॉट बुकिंग इज़ वेरी इजी, ओनली 2100 इज दैट व्हाट यू नीड टू पे। एक बार आप 2100 रुपये देते हो आपका उस पर्टिकुलर डेट के लिए स्लॉट बुक रहता है एंड आपको टाइमली डिलीवरी मिल जाती है विदाउट वेटिंग इन द। अब भी अगेन वापस से वही एम्फेसाइज करूँगा, पीपीएफ क्या है, पीपीएफ इज़ जस्ट द लास्ट थिंग दैट यू डू। मतलब जो भी आपने पेंट को रिस्टोर कर लिया, जो भी कहते हैं ना शाइन एंड ग्लॉस लाना था आप ले आए उसको प्रोडक्ट कर लिया, बट वेयर टू डू पीपीएफ, विच ब्रांड टू डू पीपीएफ, अगेन ऊपर लिंक दिया हुआ है हाउ टू डू इट, क्योंकि एक गलती सोने की बर्फ वाला पीपीएफ भी हो आपकी गाड़ी का सत्यानाश कर देगी। एट द सेम टाइम ब्रांड अवेयरनेस होने की बहुत ज़रूरी है, जैसे इस कार में एवरी डेनेशन हुआ है एंड एवरी डायनेसन इज नॉट अस कैट एंड नॉट अ स्मॉल चवन्नी अठन्नी टाइप ऑफ कंपनी, दे हैव गॉट अ वेरी वेरी रिच हिस्ट्री इन ऑटोमोबाइल्स इन ऑटो रैप्स इन एडेस इवन नंबर ऑफ थिंग इंडस्ट्रियल थिंग्स में। सो एवरी डायनेसन हैज बीन अप्लाइड इन दिस कार, आगे वॉक अराउंड में आपको नजर आएगी बाद में लास्ट में। वीडियो को अंत तक प्लीज़ ज़रूर जुड़े रहिएगा। सो फाइनली अपनी स्कॉर्पियो एंड कहते हैं ना चेरी रेड बोलो अंगारा रेड बोलो जो भी बोलो मत इज कम्प्लीटली रेडी। एक छोटा स्निपेट वॉक अराउंड आपको ऑलरेडी नज़र आ ही रहा होगा अभी, मतलब इस कार को करने में एक्चुअल में सबसे ज़्यादा मज़ा है अभी तक जितनी भी गाड़ियों पीपीएफ की हैं,
ठीक है, ब्लैक कलर की कार हो या फॉर एग्जांपल एकदम डार्क मरून कलर की कार हो, मतलब इनमें क्या ना हल्का सा ही पेंट रिस्टोरेशन करते हैं ना ऑटो शाइन आ जाता है, मतलब अपने आप को कहते हैं ना चमकने लगती है। बट दिस इज़ नॉट कमिंग इन टू अ डार्क कैटेगरी, नीदर इट इज़ कमिंग इन टू द लाइट कैटेगरी, ये कहते हैं मिड वर्जन टाइप है। और उसमें अगर ग्लॉस और निखार अगर आ रहा है ना, तो कूडोज टू द पर्सन, कूडोज टू माई टीम रादर, जिन्होंने पेंट रिस्टोरेशन का जॉब किया। एंड वंस पेंट रिस्टोरेशन इज़ बिन डन, PPF एप्लीकेशन होने के बाद, तो फिर कहते हैं ना सोने पे सुहागा हो गया। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि पेंट रिस्टोरेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कि पेंट रिस्टोरेशन अल्टीमेटली वही चीज़ है जिसको पेंट प्रोटेक्शन फिल्म प्रोटेक्ट करने वाली है। तो जो अंदर में रहेगा बाहर भी वही आपको दिखेगा।